आज किस लिए महापंचायत हुई है, हिंदुओं की महापंचायत किस लिए? हम लोग एकजुटता का प्रतीक दे रहे हैं। महाराज जी ने अगर कुछ बयानबाजी किया उसका कोर्ट कचहरी पर शासन देगा। ये नंगी तलवारें लेकर जिहादियों की भीड़ मंदिर के आगे खड़े हो जाती है, मारने की तैयारी करती है, तो भैया महाराज जी का सुरक्षा बढ़ाओ। और हम लोग चाहते हैं हिंदुओं को एकजुट रखने के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं खड़े होकर कि ये बुजदिल लोग खड़े हैं। भाई मैं तो अंदर से उतरा हूँ ट्रॉली से, मुझे तो एसपी साहब और डीएसपी साहब के आदेश पे अंदर पकड़ के अंदर कर दिया गया था, उसके बाद मुझे उतारा गया है। मरता समर्थन करें। आज ये जितने हिंदू दिख रहे हैं भाई, यकीन मानो आज बोल पा रहे हैं, 10-15 साल बाद ऐसा आ जाएगा ना कि पूजा करने में और धूपकाती दिखाने में घर से जिहादियों का परमिशन लेना पड़ेगा। तो हम अपने बाल बच्चों को वैसा दिन नहीं दिखाना चाहते, इसलिए आज इस कड़ी धूप में खड़े होकर लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं। अगर क्योंकि आज चुप हो गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी फोटो पे जूता का माला चाहिए। समर्थन में आए, मंदिर के समर्थन में आए, जो भीड़ जो आई थी, आएंगे भाई क्यों नहीं? वो रेप मर्डर क्रिमिनल का समर्थन कर देते हैं तो हम अपने महाराज जी का क्यों समर्थन करें? मंदिर पे गई थी तब कौन समर्थन के लिए, तब कोई मंदिर पे सुरक्षा के लिए कुछ था ही नहीं, कुछ पुलिसकर्मी थे, उनसे क्या होता? 4,000 की भीड़, 4-5,000 और बढ़ती थी, बढ़ रहे थे, छोटे से लेकर बड़े तक। बात बताओ, आज अगर महाराज जी को कुछ हो जाता उस दिन तो आज हिंदू एक स्टेटस डालता, शोक मनाता, चुप हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं ये जितने भी ये कट्टर हिंदू सनातनी खड़े हैं, हम एक पूरे भारत के लोगों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं कि तुम हमें जितना तोड़ने की कोशिश करोगे हम उतनी तेजी से। आज तो बड़ी संख्या में हिंदू इकट्ठे करते लोग, लेकिन एक चीज कमी लगी जो मैं अपने भाइयों के आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा। दोस्तों, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी संगठन का कार्य हो, जब तुम्हें टाइम दिया जाए तो टाइम पे आया करो, क्योंकि छोटी छोटी भीड़ देखकर पुलिस तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी इतनी भीड़ नहीं तोड़ पाई। और पूरे भारत में 4,000 से भी ज्यादा विधायक है, लेकिन आया कौन? सिर्फ नंद किशोर गुर्जर जी। तो उनके लिए भी एक ताली हो जाए भाइयों, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग एकजुट हैं और कोई हमें नहीं तोड़ सकता। आप देख रहे हैं किस प्रकार, आप लोगों ने देखा यहाँ संगठन सभी लोग आए, हिंदू संगठन सभी आए यहाँ पर, यहाँ किसी ने भी पत्थरबाजी करी क्या? ये लोग पत्थरबाजी करते थे अब तक, तो यदि ये लोग इस तरीके से पत्थरबाजी करते थे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने मंदिरों को बचाने का कार्य कर रहे हैं, अपने संतों को बचाने का कार्य कर रहे हैं, अपने ब्राह्मण भाई को बचाने का कार्य कर रहे हैं, जो ये लोग तो नारे लगाते हैं कि गर्दन सर से कलम कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पर हमने इस तरीके कोई नारेबाजी नहीं करी है। हमें केवल योगी जी से, मुख्यमंत्री से इतना प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि हमारे मंदिरों को और हमारे ब्राह्मणों को संतों को बचा बताया गया। महाराज, मैं विश्व हिंदू महासंघ से जिलाध्यक्ष गाजियाबाद हूँ, राजेंद्र शर्मा नाम है मेरा। हम लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पे दासना मंदिर में एक विरोध प्रकट शांतिपूर्ण ढंग से करने आए थे। हमारे 50 से ज्यादा लोगों को बसों में बैठा के पुलिस लाइन ले जाया गया, जहाँ पर उनके फोन वगैरह जमा कर लिए रहे हैं। मैं प्रशासन से चाहूंगा कि उन लोगों को बाइज्जत वापस भेजा जाए और उनके फोन वगैरह जो जब्त किया उनको वापस किया जाए। हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे हम लोग 9:30 बजे आए थे, मेरे पास वीडियो भी है, उस वीडियो में पुलिस वालों ने बदतमीजी करी, धक्का मुक्की करी, मेरे दोनों पैरों में ऑपरेशन हुआ है और मेरे कम से कम 70 से 80 कार्यकर्ताओं को मुरादाबाद के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परमिशन ली थी जो सामने आप जो कर रहे हो, सब की परमिशन? अपने धर्म के लिए परमिशन लेंगे, उन्होंने परमिशन ली थी हमारे मंदिर में बदतमीजी करने की। आप बताइए, आप मुझे ये बताइए, एक जब हमारे मंदिर पे हमला करा उसकी परमिशन ली थी क्या? हम परमिशन क्यों लें? अपने धर्म के लिए परमिशन लेंगे क्या? हमारे गुरु गुरु भाई साहब जय श्री राम, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय हिंदू वाहिनी, गुरु जी के समर्थन में हम लोग यहाँ आए हैं। ये जिहादी हमारे मंदिरों पर हमला कर रहे हैं, हमारी मूर्तियां तोड़ रहे हैं, हमें सरकार इतनी परमिशन नहीं दे रही है कि हम अपना आंदोलन भी शांतिपूर्ण कर सकें। प्रशासन ने चारों तरफ इसे छावनी बना के रख दिया। हमारे धर्म में ये है कि अगर अपने ने धर्म के विरुद्ध और समाज के विरुद्ध जिसने भी गलत आचरण किया है उसको हमारे भगवानों ने भी दंड दिया है। जैसे कृष्ण भगवान ने कंस को दंड दिया, रावण जो है ब्राह्मण था लेकिन उसको जो है रामचंद्र जी ने दंड दिया। जो हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे भारत के विरुद्ध, हमारे देश के विरुद्ध जो भी कार्यक्रम चलाएगा, हमारे अपने जातियों में, हमारे अपने हिंदुओं में। कई लोग ये भी कह रहे हैं जो महाराज जी के जो चेले कह रहे हैं कि महाराज जी हैं कहाँ, मैं तो ये भी नहीं पता। ये एक सेकंड देखिए, पुलिस प्रशासन ये कह रही है, हमारे जो पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि महाराज जी कस्टडी में नहीं है, तो वो उनसे ये पूछ रहे हैं, ये हकीकत है। यतीनंद गिरी महाराज जी से भी बात हुई थी मेरी, जो महाराज जी का जो है दार करवाए, दर्शन करवाए, को उनको कहाँ रखा गया है? नजर बंद करके रखा गया है कि जेल में रखा गया, कहाँ उनको रखा गया है? जो हमारे स्वामी जी सुरक्षित हैं भी कि नहीं है, हम लोगों को अगर ये अवगत कराएंगे तो हम अपने आंदोलन को पीछे हटा लेंगे। अगर ये आंदोलन अगर ये चलता रहेगा जब तक उनको हमारे दीदार नहीं करवाएंगे स्वामी जी के,
चलता रहेगा। हाँ, जब तक ये चलता रहेगा। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन जो है किसी के व्यक्तिगत आदमी के विरुद्ध में नहीं चल रहे, जो हमारे धर्म को हानि पहुंचाएगा, हमारे धर्म में जहर घोलेगा, जो हमारे धर्म के प्रति अपने को जो है असहज समझाएगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये हम लोगों का हिंदुत्व का दावा है और हिंदू तो हमेशा जो है धर्म की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, किसी व्यक्तिगत धर्म को हानि पहुंचाने के लिए। महापंचायत कब तक चलेगी? ये महापंचायत जब तक चलेगी जब तक उनका दीदार नहीं होगा, हमको ये बता नहीं दिया जाए, पुलिस प्रशासन जब तक बता नहीं दिया गया हमारे स्वामी जी कहाँ हैं, तब तक हम ये लोग धरना और हम यहाँ पर खड़े रहेंगे। हम लोग भैया कोई लड़ने नहीं आए, हम तो प्रेम भाव से मिलके आपस में बात करने के लिए आए। हम लोग अपने भगवान शिव के समर्थन के लिए आए, दासन देवी मंदिर के अपमान के लिए आए। हम लोग हाथ जोड़ के विनती करें, हम लड़ाई दंगे करने बिल्कुल नहीं आए। हम तो बस आपस में मंदिर दर्शन करने लिए आए और अपने नरसिंह भगवान के समर्थन में आए। हम लोग कोई बदतमीज वाले आदमी नहीं है, श्री राम के बंदे हैं, समर्थन करने लिए आए। हम तो भाईचारा निभाते हैं आपस में, मगर वो भाईचारा नहीं निभाना चाहते हैं। हम तो कोई आपस में प्रेम भाव से बोलना चाहते हैं। वो छोटा बच्चा है, हम तो भाव ये है, हम तो अपने देश के धर्म के लिए, अपने ये हमारे देशभक्ति के लिए, हमारे समर्थन के लिए खड़े हैं ये लोग। हम इनसे लड़ने, देखो दिखाइए, सेवा के लिए आए, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए आए हैं, हमारे समर्थन कर रहे हैं, हम प्रशासन के साथ हैं, हम बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। हमारा हमारे पुलिस कर्मचारियों भाइयों से जो भी इनके उत्तराधिक जो अधिकारी हैं, किससे हमारा विरोध नहीं है। हमारा तो बस ये है कि स्वामी जी कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, वो हम लोगों को बताएं, पारदर्शिता दिखाएं और हम जो है हमेशा जो है आंदोलन करते आए हैं अपने धर्म के लिए, भारत की रक्षा के लिए। भारत में हम नहीं चाहते हैं कि अखंडता आए, अखंडित हो, हम लोग अखंड रहना चाहते हैं, सभी लोग मिलजुल के काम करना चाहते हैं। सर, हमने यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत करी है और इस महापंचायत में यह निर्णय निकला है कि हमारे जो गुरु जी हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, उनकी एक हफ्ते के अंदर बेल होनी चाहिए, वे रिहा होने चाहिए और जितने भी ये पथराव करने वाले हैं, जिन्होंने माँ और महादेव के मंदिर पर पथराव करा है, प्रशासन अपना सख्त एक्शन ले। कार्रवाई हो रही है उन पर, पकड़े भी कि हमें एक हफ्ते के लिए आश्वासन दिया गया है, बाकी हम प्रशासन के साथ हैं। बाकी बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, नंद किशोर गुर्जर जी ने, एक विधायक थे जिन्होंने हमारा सबका पूरा सपोर्ट करा, हमारे हिंदू हृदय सम्राट यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की रिहाई होनी चाहिए बस। यू कहना चाहेंगे हम इकट्ठे हुए, इन्होंने मुसलमानों ने हमला कर दिया अपने मंदिर पर और इनको पुलिस ने कुछ ना कही। आज हम इकट्ठे हुए तो हमें ये पुलिस रोक रही है, क्यों रोक रही है जी? एक बार हम अपने मंदिर पर ना जावा भाई, मंदिर पर जावा, इन्होंने संत की वोट पर जूते बजाए, तो बताओ प्रशासन हमारे लिए क्या कर रहा है, उनकी लिए कर रहा, जो भी कुछ कर रहा। हमें संख्या में यहाँ पे हिंदू संगठन मौजूद है, इस वक्त आप कैमरे के माध्यम से देखिए पूरे जो रोड पर चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन मौजूद है, HRD हिंदू रक्षा दल और बजरंग दल यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, आप एक बार मंदिर दिखाइए, जिस तरफ आप कैमरे का जो रुख है, कैमरे का रुख मंदिर की तरफ कर दिया गया है, उस तरफ मंदिर पड़ता है और ये जो है पूरा हाईवे है, ये NH24 हाईवे है, सीधा हापुड़ की तरफ जो जाता है उसको पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ एकत्रित हो चुके हैं। वो उनका कहना है कि महाराज जी के बारे में या तो हमें पता लगे कि महाराज जी हैं कहाँ, और उसके बाद यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन जो महापंचायत है वो यहाँ पर खत्म की जाएगी। उसके बाद एक नारेबाजी यहाँ पर पूरी तरीके से की जा रही है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए एक बार, पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, किसी तरीके की कोई यहाँ पर परेशानी ना हो, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और रोड़ों पर जाम ना लगे। और देखिए पूरी तरफ चारों तरफ आप एक बार दिखाई कैमरा दूर तक आप जूम करके दिखाइए, जहाँ तक आप देख सकते हैं कैमरे का जहाँ तक जूम जाएगा वहाँ पर भी हिंदू संगठन के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। महाराज जी के समर्थन में बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है हिंदू एकत्रित हुए हैं और महाराज जी को समर्थन करने आए हैं। उनका कहना यह है, जो मंदिर पर जो भीड़ एकत्रित हुई, मंदिर पर जो हमला हुआ और नारेबाजी हुई, उसके बाद इनमें आक्रोश है और वो यहाँ पर मौजूद हुए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद ये है कि उनका कहना ये है कि महाराज जी जब तक नहीं मिलेंगे, महाराज जी को पता है कि महाराज जी है कहाँ, उसके बाद जो है धरना समाप्त होगा।